हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो सिम में एमबी कैसे चेक करें। हाँ दोस्तों, आपके जियो सिम में एमबी देखना चाहते हैं कि कितना एमबी रहा है, कितना एमबी यूज़ कर लिया, कितना एमबी आता है वो देखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में फोन डायलर है वो ओपन कर लेना है, जहाँ से आप कॉल लगाते हैं वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर डायल करना है। कौन सा नंबर डायल करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1299। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला नंबर है, वो यहाँ पर आपको डायल करना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको कॉल लगा देनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको स्टार हैश वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर लगाना है 1299। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर आप कॉल कर देनी है। कॉल करोगे ना तो कॉल है वो 1 या 5 सेकंड में कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट हो चुकी है। कट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। कट हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज है वो आ चुका है अभी के अभी। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद उस मैसेज में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना एमबी आता है वो भी लिखा हुआ होगा। आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपने कितना एमबी यूज़ किया है वो भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा एमबी है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप एमबी है वो यूज़ मतलब देख सकते हो कि कितना बचा है, कितना रहा है, वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलो अगले वीडियो मिलते हैं। तो गाइस, बाय बाय।